दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2023 में चुनाव है और इसी का फ़ायदा शिक्षकों को मिलेगा। आप बिल्कुल निर्भय हो जाइए, है ना, कि शिक्षकों की पोस्टिंग जल्दी होगी ही, है ना, बिल्कुल होने ही वाली है वो तो। और अभी एक न्यूज़ आई निकल के कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अलीराजपुर में एक नुक्कड़ नाटक के समय एक बहुत बड़ी बात बोल दी है और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्हें क्या बोला है। पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे शिक्षकों ने बहुत लंबे समय से, 2-3 साल से इतनी आपदाएं झेल ली हैं। लॉकडाउन में भी उनके पास जॉब होने के बाद वो नहीं कर पाए हैं ना, जॉइनिंग में दिक्कत आ गई है, वो कई प्रकार से बहुत चीज़ें उनने कठिनाइयों का सामना किया है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल हार मत मानिए, हम आपके साथ हैं और आपको बताते हैं आज की न्यूज क्या है। अभी चयनित शिक्षक मिले थे, अगले मंडे तक उनकी पूरी भर्ती की प्रक्रिया पूरी होके 30,000 चयनित शिक्षकों को नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो नौजवान है उनके लिए भी सरकारी भर्ती, अभी पुलिस की भी निकल रही है, शिक्षकों की भी निकल रही है, रेवेन्यू की भी निकल रही है, वो भर्ती का अभियान भी चालू किया जाएगा, बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। तो दोस्तों, सुना आपने इसकी, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती है वो अगले महीने 30 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दी जाएगी और उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में और भी ज़्यादा भर्ती आएंगी, जैसे उन्होंने कहा पटवारी और एमपी पुलिस और शिक्षक भर्ती और बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। दोस्तों, साफ साफ शब्दों में कहा है, तो अब निराश मत होइएगा, अब ये मत सोचिएगा कि ये तो नहीं है, तो सिर्फ उन्होंने घोषणा कर दी है। दोस्तों, जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात बोलता है तो उसे करना ही पड़ती है, क्योंकि ये उसकी इज्जत का सवाल भी होता है। और रही बात दूसरे नेताओं की, जिन्होंने हमें सोमवार से वादा कर दिया था, तो वो नेता हमारी नज़र में नेता नहीं है, वो सिर्फ, अब क्या ही बोलूँ उनके बारे में। तो आप बिल्कुल डिसमोटिवेट मत होइए और आपकी आगे की तैयारी ज्वाइनिंग की करते रहिए। और अगर आप ऐसी ही न्यूज़ पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।